फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। चलिए आज इस वीडियो में हम जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करते हैं, समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कंपनी कैसी है, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अचानक से इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो डाउनफॉल आया है, जो शेयर प्राइस लगातार इन दिनों नीचे ही की तरफ मतलब जा रहा है कुछ दिनों से, इसके पीछे की वजह क्या है। और अब देखेंगे तो धीरे धीरे ये बाउंस बैक करने लगा है, यानी कि जो प्राइस अब नीचे जा रहा था वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, तो क्या ये प्राइस फिर ऊपर जा सकता है कि नहीं, इसी को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत हम लोग एकदम शुरू से करते हैं। देखिए, जीजी इंजीनियरिंग के नाम में ही इंजीनियरिंग लगा है, यानी कि ये कंपनी जो है, आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इंजीनियरिंग के सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि एक ऐसा सेक्टर जो आयरन और स्टील, मेटल, इन सब चीज़ों में डील करता हो, इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करता हो, उसमें ट्रेडिंग करता हो। तो ये जो कंपनी है जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये देखेंगे ये ट्रेडिंग करता है। ट्रेडिंग मतलब व्यापार करना, बिजनेस करना। किस चीज़ों का बिजनेस? आयरन एंड स्टील मेटल्स का। स्टील जैसे जो चीज़ें बनाती है कंपनी, इनकी तो जरूरत हमेशा रहेंगी, तो काम के भी यहाँ पे दिशा है, तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। लेकिन जब बढ़िया है तो इसके शेयर प्राइस में अचानक डाउनफॉल क्यों आया? चलिए उसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को भी समझते हैं। तो फंडामेंटल में देखेंगे, मार्केट कैप तकरीबन 200 करोड़ के आसपास है और स्टॉक का पी भी काफ़ी शानदार है, तकरीबन 22 के आसपास है। पेनी स्टॉक का पी हालांकि इतना कम नहीं होता है, लेकिन इसका कम है। और वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो कंपनी का शेयर प्राइस भी ठीक ठाक है, यानी कि जिस हिसाब का पी है उसके हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो ROC है, यह भी देखेंगे तो प्लस में, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 12% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है, इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद और इतनी बड़ी इसमें गिरावट होने के बावजूद, यानी कि कुछ ना कुछ इस स्टॉक में पोटेंशियल है। चलिए टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं, पोटेंशियल है तो आखिर गलती कहाँ पर हुआ कि कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो अचानक से इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, इसी चीज़ को इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, अच्छा खासा चल रहा था कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ तक तो कंसोलिडेशन रेंज में था ही, 6 रुपये से लेकर देखेंगे तो तकरीबन 5 रुपये के बीच में काफ़ी दिनों तक स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेट किया। अब सामान्यतः कंसोलिडेशन से बाहर निकलने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ से नीचे आ गया, क्योंकि जून क्वार्टर का जो कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आया था। जून क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी के शेयर प्राइस में मतलब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आने से एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और दूसरा सबसे प्लस बात है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जिनके पास कंपनी के बड़े मात्रा में शेयर्स थे, वो इस कंपनी से बाहर निकलते हुए देखेंगे जून क्वार्टर के रिजल्ट में। तो ये दो सबसे बड़ी निगेटिव न्यूज रही इस स्टॉक को लेकर, जहाँ से इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हालांकि प्रमोटर्स जिनको जाना था चले गए, प्रमोटर्स जिंदगी भर एक ही कंपनी में नहीं बने रहते, अभी भी कुछ प्रमोटर्स हैं और प्रमोटर्स नहीं भी होंगे फिर भी कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो गई है तो पब्लिक के बीच में ये कंपनी का शेयर का बाई सेल होता रहेगा। अब देखेंगे तो चूंकि कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद कुछ दिनों तक 1-1.5 रुपये का आसपास ट्रेड किया, अब यहाँ पर अब देखिए बाउंस बैक कंपनी का शेयर प्राइस करने लगा, यानी कि यहाँ से प्राइस फिर से उठने लगा है। अब क्या है कि अगला क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा, धीरे धीरे क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट यदि अच्छे आने लगते हैं, तो ये जो बाउंस बैक मारा, जो कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से आप देखेंगे अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर ऊपर जाएगा और ऊपर ही जाते जाएगा और सीधे ये आएगा कम से कम 5 रुपये के लेवल तक। हालांकि अचानक से 5 रुपये के लेवल तक नहीं आ जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, ये ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करते करते आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। अब जिनके पास पहले से मोटा इन्वेस्टमेंट था वो तो निकल गए होंगे, लेकिन जिनके पास अभी है अब वो बने रहे, क्योंकि आप जो नए व्यक्ति हैं वो अब थोड़ा बहुत ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क के हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये स्टॉक का प्राइस सही समय पर। हालांकि जो भी कीजिएगा अपने एनालिसिस के बदौलत कीजिएगा, मेरे कहने पर मत कीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट यदि आपको हम थोड़ा सा दिखा दें, क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे कंपनी का शेयर प्राइस जो है, सेल्स जो है देखेंगे जून क्वार्टर में कम हुआ, और जून क्वार्टर में कम हुआ तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यह भी आपको जून क्वार्टर में आपको कम होते हुए दिखाई दिए, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस पर डाउनफॉल देखने को मिला। और ये सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट की बात नहीं, यदि हम यहाँ पे शेयर होल्डर्स की बात करें तो शेयर होल्डर पैटर्न्स में भी देखेंगे, अब देखेंगे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, पहले देखिए पहले ये कितने ज़्यादा थे यहाँ से, लेकिन धीरे धीरे देखिए यहाँ से देखिए धीरे धीरे कम होते गए, जिस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में और भी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। हालांकि इसी मामले में देखें तो कंपनी के जो पब्लिक के पास जो शेयर है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि भले ही प्रमोटर्स चले गए कोई बात नहीं, पब्लिक के पास ये कंपनी के शेयर्स हैं, पब्लिक इस कंपनी को चलाएगी, पब्लिक के जब डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो काम है इसकी बदौलत कंपनी का डिमांड बढ़ेगा ही, डिमांड बढ़ेगा तो शेयर में बाई सेल बाई ज़्यादा होगा, जो बाइंग प्रेशर बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस भी आपको धीरे धीरे से लेकिन ऊपर की तरफ ही जाते हुए दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से जीजी इंजीनियरिंग एक बढ़िया कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, बाकी आप अपना देख लीजिएगा आपको क्या करना है, आप कैसे सोचते हैं ये आपके ऊपर है। ओवरऑल इस वीडियो में सारी चीज़ें मैंने इस कंपनी के बारे में बता दी, आपको कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।